जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके उन कंपनियां उसके सीईओ थे, क्वालकॉम और जनरल एटॉमिक्स की। जनरल एटॉमिक्स का तो और एक बहुत विशेषता है कि वो दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी है, और उनका सीईओ भी इंडियन ओरिजिन का है, ये भी एक बात ध्यान में आनी चाहिए। फिर एडोबी सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर, जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके सीईओ शांतनु नारायण, अगेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके साथ भी प्रधानमंत्री जी ने बात की। और बाकी जो दो कंपनीज थी, एक सोलर पैनल्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, और पांचवी कंपनी थी वेरी प्राइवेट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट फर्म, वन ऑफ द लार्जेस्ट वन, ब्लैकस्टोन की, जिसका करीब करीब 600 बिलियन डॉलर्स का ओवरऑल एसेट वैल्यू है। उन्होंने 60 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी भारत में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री जी को मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि और 40 बिलियन डॉलर आगे के 5 साल में वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये भी भारत की इकोनॉमी पे और भारत की इकोनॉमी के स्ट्रेंथ पे एक बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने जताया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज हम चाइना में एक बहुत बड़ा संकट, आर्थिक संकट गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी जो रियल इस्टेट फर्म है वो आज बैंक्रप्सी के कगार पे है, और उसको एक्चुअली कई सारे लोग मिनी लेहमन मोमेंट जो यूएस में हुआ था, लेहमन मोमेंट की जिसके कारण अमेरिका की इकोनॉमी गिर चुकी थी 2008 में, उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस पार्श्वभूमि में ब्लैकस्टोन जैसे कंपनी ने भारत की इकोनॉमी पे और फाइनेंशियल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा विश्वास दर्शाया है, ये भी एक बड़ी बात है। क्वाड के बारे में कहे तो क्वाड में डेफिनेटली जो भारत के जो मेन कंसर्न्स है, जो टेररिज्म है, स्पेशली अफगानिस्तान के जो बदल हुआ है तालिबान के आने से, एक्सट्रीमिज्म के बारे में, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म ये कोई कभी भी रीजनल इश्यूज रहते नहीं हैं, जो 9/11 के बाद हमने देखा है कि टेररिज्म का फैलाव कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, इसलिए दैट कैन पोटेंशियली बिकम अ ग्लोबल थ्रेट। प्लस साउथ चाइना सी में जो इश्यूज है, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो भारत हमेशा उठाते आया है, उसके बारे में भी क्वाड में चर्चा होगी। और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे इशू है, क्लाइमेट चेंज है और सस्टेनेबल एनर्जी है, ये भी इश्यूज क्वाड के। तो डॉक्टर विजय चौथाई वाले को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसे लीड करते हैं डॉक्टर विजय चौथाई वाले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है इसके बारे में तफसील से बताते हुए, और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की थी, जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म का जिक्र किया था और जिस तरह से यह कहा था कि दरअसल जड़ पर प्रहार होना चाहिए, कट्टरवाद का उन्होंने जिक्र किया था और आतंकवाद फैलने की इसे बड़ी वजह बताया था, तो उन तमाम मुद्दों को कैसे आगे इस मीटिंग के जरिए बढ़ाया जाएगा उस पर डॉक्टर विजय चौथाई वाला हमें जानकारी दे रहे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।